कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हो, माहौल में घूम रहे हैं, एक अच्छा काम करता नहीं कर रहे थे। आप किस तरह यूरो इम्पोर्ट ना क्या मतलब बस से बता दें वो करेंगे उसके वैसे अजवा से पहले न्यूज में इतने दुख नहीं है, वो क्या मोटे बात है। हाँ तो शाम डालो, पहले शाम डालो तो बात हाँ डालो। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि आज एक कौम के हमदर्द यानी बेलौस अमल करने वाले वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो अल्लाह ताला की अमानत है, जिस पर सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का हक है और उसकी हिफाजत करना और उसके साथ जो है उसकी देखभाली करना और जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी को जो गैरों ने कब्जा कर लिया है उसे जो है मुसलसल कानूनी तरीके से हर तरीके से जो है दोबारा जो है वो कौम की प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना जो है मामूली बात नहीं है। इसके अंदर जो है मुझे बहुत खुशी हुई कि अली जनाब मेहकरी साहब को दोबारा जो है मैसूर वक्फ बोर्ड के जो है चेयरमैन मुकर्रर किया गया, क्योंकि इनके से जो बहुत सी कोशिश करके जो बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह के जो है प्रॉपर्टी हो बहुत से जो है इसे वक्फ के जो प्रॉपर्टियां जो हैं इन्हों जो है मुसलसल उसको कोशिश करके जो है वक्फ के अंदर जो है उसे लाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेहतरी साहब और उनकी टीम को इसी तरीके से खिदमत खल करने की तौफीक और हिदायत दे और जो है इनकी सेहत तंदुरुस्ती बता करे और इनके हर उस नेक अमल को अल्लाह ताला कबूल करके कामयाबी करे जिससे हम मुसलमानों की भलाई। अस्सलाम वालेकुम।